गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास मारसीलिया हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में मैंने आपको एच एल एस वी एल एस और वी टी एस का किस प्रकार से सेक्शन कटिंग हम करते हैं क्या कौन किस प्रकार का चित्र इन तीनों सेक्शंस के अंदर दिखाई देता है इसके बारे में आपको बताया था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पोरोकार पूछा भी जाता है और उसको आप किस प्रकार से कंपैरेटिव स्टडी करके याद भी रख सकते हैं तो पिछले पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा उसको देखने से आपको हेल्प मिलेगी कि स्पोरोकार्प को किस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हैं इस वीडियो में हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोकार्प किस प्रकार से होता है सबसे पहले स्पोरोकार्प इनिशियल फॉर्म होता है जो कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास होता है सेल्स का और उसकी कटिंग साइड्स होती हैं लेटरल साइड्स ग्रो करता है वो दोनों साइड टू रोज ऑफ सोरल मदर सेल्स बनती हैं और ये भी ग्रो करती हैं कुछ अपने डेरिवेटिव्स भी बनाती हैं सोरल मदर सेल जो है वह दो ऑल्टरनेटिंग रोज़ में कैनाल्स भी फॉर्म करती हैं अभी हम चित्र में भी आपको डेवलपमेंट दिखाऊंगी मैं उसमें भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा सोरल कैनाल जो बनती है वह लाइंड होती है या चारों तरफ उसके सराउंड करता है टिश्यू जो कि इंडियूजियम कहलाता है जो कि अपने एच एल एस एल एस जब हमने आपको स्पोरोकार्प के बताए थे तो उसमें भी बताया था कि एक इंटरनल लेयर होती है इंड्यूजियम स्पोरेंजिया जो है वह रिसेप्टिकल पे फॉर्म होता है ये देखिए ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं एपिकल सेल है ये कटिंग फेसेस होती हैं इसकी इस एपिकल सेल में कटिंग फेसेस के द्वारा सोरल मदर सेल फॉर्म होता है और इसके साइड में आप देख रहे हैं सोरल कैनाल लिखा हुआ है ये धीरे धीरे ये कैनाल फॉर्म होती जाती है लेयर जो है इनर इंड्यूजियम फॉर्म कर रही है और आउटर इंड्यूजियम फॉर्म कर रही है और मेगास्पोरेंजियम मदर सेल्स यहाँ पर दिखा रखा है क्योंकि आपने देखा कि जो स्पोरोकार्प है उसमें मेगास्पोरेंजियम भी है और माइक्रोस्पोरेंजियम भी है तो दोनों का ही डेवलपमेंट हम देखेंगे पर सबसे पहले स्पोरोकार्प कैसे बना ये हम यहाँ पर समझा रहे हैं स्पोरोकार्प जब बन जाएगा तब हम देखेंगे कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है और कैसे मेगास्पोरेंजिया डेवलप होता है तो सोरल कैनाल आप देख रहे हैं आउटर इंड्यूजियम बन गया इनर इंड्यूजियम बन गया और मेगास्पोरेंजियम के भी इनिशियल्स यहाँ पर फॉर्म हो गए तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्पोरोगाप फॉर्म होता है फर्स्ट जो स्पोरेंजल इनिशियल यहाँ पर अपीयर होता है वह जो रिसेप्टिकल होता है उसके टिप पे बनता है और वह मेगा स्पोरेंजियम बनाता है साथ ही साथ में दोनों जो लिटरल साइड हैं उसमें भी दो इनिशियल्स फॉर्म होंगे और वो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल की तरह, तरह एक्ट करेंगे तो कहने का तात्पर्य है कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों ही फॉर्म होता है और वो दोनों फॉर्म होने से पहले स्पोरोकार्प का हमने डेवलपमेंट पढ़ा है अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ओवल स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग स्टॉक होती है और लेटरली प्रेजेंट होता है रिसेप्टिकल के ऊपर स्मॉल साइज में होता है सिंगल लेयर्ड इसमें जैकेट पाई जाती है और जैकेट के अंदर दो लेयर की टैपिटल सेल्स भी पाई जाती हैं उसके अंदर सेंट्रल कैविटी होती है जिसमें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म होते हैं मेचोरिटी के टाइम पे टैपिटल सेल्स जो हैं वह डिजनरेट हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड करती हैं रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस होता है जिससे कि हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं यूजुअली बत्तीस से चौंसठ करीब थर्टी टू से सिक्सटी फोर जो है माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं और लिबरेट आउट होते हैं माइक्रोस्पोरेन्जियल वॉल से माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको समझाया वह किस प्रकार से बनता है तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले सुपरफिशियल सेल के अंदर एक स्पोरेंजियल इनिशियल फॉर्म होता है लेटरल साइड में जैसे कि आपको बताया लेटरल रिसेप्टिकल में लेटरल साइड पे माइक्रोस्पोरेन्जियज लगे हुए होते हैं जिनमें कि माइक्रोस्पोरेंजियाज में माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं तो ये इनिशियल सेल जो है स्पोरेंजियल इनिशियल ये भी लिटरली ही प्रेजेंट होगा इसमें ट्रांसफर्स डिवीजन होता है पहला डिवीजन ट्रांसफर्स डिवीजन होता है आ, मतलब मान लीजिए ये इनिशियल है आपको पता ही है ट्रांसफर्स डिवीजन, ये इनिशियल है तो इस प्रकार से डिवीजन होगा ट्रांसवर्स डिवीजन होने से आउटर सेल बन गया और इनर सेल फॉर्म हो गया आउटर सेल जो है ये पूरा का पूरा ये जो आउटर सेल है यही स्टॉक वॉल टेपिटम और माइक्रोस्पोर्स बनाता है इसमें थ्री सक्सेसिव डायगनल डिविजन्स होते हैं जिससे कि एक तीन सक्सेसिव डायग्नल डिविजन होने से एक यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो एपिकल सेल फॉर्म हो जाता है और वो एपिकल सेल जो है उसके थ्री कटिंग फेसेस है मतलब एक इस तरफ भी होगा एक इस तरफ भी होगा और एक नीचे की तरफ भी होगा तीन कटिंग फेसेस उस एपिकल सेल की होती हैं और वो हेल्प करता है स्टॉक भी फॉर्म करने में नीचे की तरफ स्टॉक बनता है तो स्टॉक फॉर्म करने में भी एपिकल सेल सेल जो है हेल्प करता है पेरिक्लाइनल वॉल जो है एक पेरिक्लाइनल वॉल फॉर्म हो जाती है आउटर फेस की तरफ एपिकल सेल के और वह आउटर एक स्मॉलर जैकेट सेल बनाता है इनर आर्की स्पोरियल सेल बनाता है आपको पता है जैकेट जो है वह सराउंड करती है या जैकेट का काम प्रोटेक्शन होता है तो बाहर की तरफ ही बनेगा ऑब्वियस सी बात है तो जैकेट सेल बाहर बनता है और आर्किस्पोरियल सेल्स अंदर बनता है तो जैकेट सेल जो है वह डिवाइड करता है अब एक जैकेट सेल है पूरा जैकेट आपको बनाना है इसमें तो एंटीक्लाइनल डिवीजन डिविज़न यहाँ पर होगा और उससे सिंगल लेयर जैकेट फॉर्म हो जाएगी आर्किस्पोरियल सेल जो है वह वापस से डिवाइड करेगा पेरीक्लाइनल डिवीज़न होगा उसमें तो उससे दो सेल्स बन जाएंगे आउटर प्राइमरी टैपिटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इसको मैं एक बार आपको वापस बताती हूँ सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक एपिकल सेल फॉर्म होगा जिसकी तीन कटिंग फेसेस होगी तो इंटीरियर है और दोनों साइड कटिंग फेसेस उसमें पाई जाती है फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर जो स्टॉक uh, है वो भी बनाने में ये हेल्प करता है उसके बाद पेरीक्लाइनल डिवीजन होने से जो आउटर साइड है उसमें जैकेट सेल बन जाएगा अनर, अंदर के साइड में आर्किस्पोरियल सेल बन जाएगा जैकेट सेल में एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा उससे पूरा का पूरा जैकेट फॉर्म होगा अंदर जो आर्किस्पोरियल सेल था उसके अंदर पेरीक्लाइनल डिवीजन होगा और पैरिक्लाइनल डिविजन होने से वो आउटर टैपिटल सेल दे देगा आपको और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दे देगा क्योंकि आपको पता है जैकेट लेयर के बाद टैपिटम की लेयर आती है तो जैकेट लेयर फॉर्म हो गई फिर जो आउटर प्राइमरी टैपिटल सेल है वो पूरा का पूरा टैपिटम लेयर बनाएगा जहाँ पर कि डिवीजन होगा पेरीक्लाइनल भी और एंटीक्लाइनल भी क्योंकि ये टैपिटम टू लेयर्ड टैपिटम है यहाँ पे फिर आता है स्पोरोजिनस सेल तो स्पोरोजिनस सेल जो है वह डिवाइड करेगा और वह आठ से सोलह माइक्रोस्पोर मदर सेल बना देगा अब ये जो मदर सेल हैं ये मियोसिस करेंगे और टेट्राड, स्पोर टेट्राड्स फॉर्म करेंगे तो थर्टी टू से सिक्सटी फोर माइक्रोस्पोर्स जो हैं वह प्रोड्यूस हो जाएंगे अब आपको अगर चित्र में दिखाती हूँ ये देखिए आप इसमें एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम दोनों का डेवलपमेंट तकरीबन एक जैसा ही होता है लास्ट में थोड़ा सा फर्क आता है तो ये आप देख सकते हैं ये मेगा का डेवलपमेंट हो रहा है ये यहाँ पर यंग माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म हो रहे हैं और ये इंड्यूजियम जो लेयर मैंने आपको बताई थी दो आउटर एंड इनर एंडूजियम लेयर है ये तो अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियल के हिसाब से देखते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल फॉर्म हुआ आउटर सेल बना इनर सेल बना इस प्रकार से इसने एपिकल सेल फॉर्म कर दिया यहाँ पर टेट्राहेड्रल एपिकल सेल बन रहा है यहाँ पर इस तरीके से कटिंग फेसेस से सेल्स काटे जा रहे हैं प्राइमरी जैकेट सेल बन गया ऊपर की तरफ आप देखिए तो प्राइमरी जैकेट सेल तो जैकेट ही फॉर्म करेगा ये जैकेट बन रहा है और अंदर वाला जो आर्किस्पोरियल सेल है उसके अंदर फिर से डिवीज़न हुआ और उसमें टैपिटम बन गया और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन गया यहाँ पर अब आप देखेंगे जैकेट बन गया है टैपिटम की दो लेयर फॉर्म हो गई और अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखा रखा है जिसमें कि मियोसिस होगा और म्योसिस होके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो गए हैं तो इस तरीके से एक आप मान सकते हैं कि पूरा डेवलपमेंट इस तरीके से होता है ये हमने देख हम देख चुके हैं अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम कि मेगास्पोरेंजियम का अगर डेवलपमेंट होता है तो वह किस प्रकार से होता है मेगास्पोरेंजियम सबसे पहले तो मेगास्पोरेंजियम कैसा होता है क्या होता है स्वेरिकल स्ट्रक्चर ही होता है इसका भी गोल ही होता है शॉर्ट स्टॉक होता है छोटा एक स्टॉक होता है इसका भी और ये सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है आपने देखा जैसे ये डायग्राम में ये जो है ये मेगास्पोरेंजियम है और ये जो है ये दोनों साइड ये माइक्रोस्पोरेंजियम है तो टॉप पे प्रेजेंट होता है बिगर साइज़ का होता है माइक्रोस्पोरेन्जियम से माइक्रोस्पोरेंजियम से मेगास्पोरेंजियम बड़ा होता है स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम जैसा ही है बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक मेगास्पोर प्रेजेंट होता है एक मेगा स्पोनजियम में जैसे माइक्रोस्पोर में तो आपको बताया थर्टी टू से सिक्सटी फोर माइक्रोस्पोरेन्जियास प्रेजेंट थे माइक्रोस्पोरस प्रेजेंट थे एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर लेकिन यहाँ पर मेगास्पोर जो तो है वह एक ही मेगास्पोर प्रेजेंट होता है एक मेगा स्पोरजियम पर मेचोरिटी पे मेगास्पोर जो है वह डी जनरेशन मेगास्पोरेंजियल वॉल्ज की डी जनरेशन से बाहर निकल जाता है डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं मान लीजिए मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट बताना है आपको सेम ही मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम का है फ़र्क ये है कि टोटल जो मेगास्पोर बने थे वो सब डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक जो मेगास्पोर है वह बचता है तो जहाँ पर आपने लिखा मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल बना मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बने वो मेगास्पोर सारे जो हैं डीजनरेट हो जाएंगे सिर्फ एक बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर तो लास्ट में मेचोरिटी पे मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक ही मेगास्पोर पाया जाता है जबकि अगर आप माइक्रोस्पोर की बात करते हैं तो थर्टी तो टू से सिक्सटी फोर माइक्रोस्पोर्स एक माइक्रोस्पोरेन्जिया के अंदर पाए जाते हैं पोजीशनिंग की बात करें तो सबसे ऊपर के साइड में जो आपका स्पोरोकार्प है उसमें अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए ये रिसेप्टिकल है तो यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया लगेगा तो यहाँ पर मेगास्पोर्स दोनों साइड में माइक्रोस्पोरेंजियाज uh, लगेंगे तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है एक स्पोरोकार्प के अंदर अब आते हैं डेहीसेंस ऑफ स्पोरोकार्प एंड लिब्रेशन ऑफ स्पोर्स जब स्पोर्स बन गए हैं माइक्रोस्पोर्स भी बन गए हैं और मेगास्पोर स्पोर भी बन गया तो उनका लिब्रेशन कैसे हुआ कैसे वह स्पोरोकार्प से बाहर निकलेंगे तो वॉल जो है स्पोरोकार्प की वो जो है डीके होगी गलेगी बाय बैक्टीरियल एक्शन बैक्टीरियाज़ के थ्रू और स्पोर्स जो हैं बाहर निकलेंगे स्पोरोकार्प जो है वो बर्स्ट आउट हो जाता है फट जाता है और पानी के अंदर वो वेलव्यूलर मैनर के अंदर ही निकलता है और जो उसकी जेलेटिनस रिंग होती है आपको बताया था कि एक अंदर वॉल स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो तो वॉल स्ट्रक्चर में एक पैरनकाइमेटस लेयर बताई थी एक तो एपीडर्मल लेयर थी फिर दो लेयर्ड हाइपोडर्मिस थी पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है स्ट्रक्चर और फिर उसके अंदर एक पैरनकाइमेटस लेयर थी तो जो पैरनकाइमेटस लेयर थी वह जेलेटिनाइज हो जाती है और वो जेलेटिनस रिंग जो है पानी एब्जॉर्ब करती है और एक्सटेंड करती है और वो फिर फूल के फट जाता है और स्पोरोकार्प जो है आ, सोराई के साथ ही बाहर निकलता है स्ट्रेट हो जाता है और वो स्पोरोफोर की तरह लगने लग जाता है और जेलेटिनस रिंग जो है ऑल्टरनेटिंग रोज़ के अंदर जैसा कि आपने देखा कि हमने एच एल एस एल एस देखे तो ऑल्टरनेटिंग रोज़ में आपने देखा था जैसे एच एल एस के अंदर ऑल्टरनेटिंग रोज़ में आपका सुराई प्रेजेंट था तो उसी तरीके से ये बाहर निकलता है और म्यूसिलेजिनस वॉल जो है इसमें स्पोरेंजिया की वो ओपन होती है पानी में और स्पोर्स जो हैं वह लिबरेट हो जाते हैं क्योंकि पहले स्पोरोकार्प की वॉल फटेगी फिर उसके बाद उसमें स्पोरेंजियाज हैं उनकी भी वॉल हटेगी तब जाके स्पोर्स निकलेंगे तो ये आप चित्र देखिए इस तरीके से होता है ये जेलेटिनस टिश्यू जो है वो बाहर निकल रहा है यहाँ से फट गया है स्पोरो और ये धीरे 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 बाहर निकलते हुए अपने साथ में सोरल सैक लेके आ रहा है ये सोरल सैक्स आपको यहाँ पर ये पूरा जेलेटिनस रिंग है ये ऐसे सैक्स इस पर लगे हुए हैं सोरस लगे हुए हैं अब ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियाज इज सोरस तो ये स्पोरेंजियाज हैं इसमें अभी स्पुरेंजियाज भी आ, आ, इनकी भी वॉल हटेगी और डिजनरेट होगी और वॉल हटने से स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ जिलेटिनस रिंग ये जो जिलेटिनस रिंग है ये पानी एब्जॉर्ब करती है प्रेशर पड़ता है कुछ बैक्टीरियल एक्शन होता है और ये बाहर निकल जाती है और बाहर जब निकलती है तो ऑल्टरनेटिंगली सोराइज इसमें प्रेजेंट है वो आप देख रहे हो सोरल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है इन्हीं के अंदर आपको पता है सोरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियाज़ तो इन्हीं के अंदर आपको मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेन्जियाज जो हैं लगे हुए हैं उनकी भी वॉल डिजेनरेट होएगी और जब उनकी वॉल डिजेनरेट होगी तभी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बाहर निकल पाएंगे तो ये हमने यहाँ पर डेसेंस ऑफ पुरोकार देख लिया अगले वीडियो में हम गैमिटोफाइट जो फेज़ है इसकी वो देखेंगे स्टूडेंट्स uh, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये हमने यहाँ टॉपिक ख़त्म कर लिया है कि आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और व्यू भी कीजिए मैं देख रही हूँ इन दिनों में आप थोड़ा सा uh, कम देख रहे हो इसको चैनल को लेकिन आप प्लीज़ इसको देखिए क्योंकि ये फिर आपको समझ में नहीं आएगा और यही uh, सारी चीज़ें हमारे को प्रैक्टिकल के अंदर भी करनी है तो जब भी आप महाविद्यालय खुलेगा आप आएंगे हम प्रैक्टिकल के अंदर भी प्रैक्टिकली हमको हम आपको करके भी दिखाएंगे आप करेंगे इसको प्रैक्टिकली भी तो उसमें आसानी होगी अगर आप इनको देखेंगे आप समझ पाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए उसको ताकि आपको नोटिफिकेशन आए आप सारे वीडियोस रेगुलरली देख पाएँ और जो भी स्टूडेंट्स अभी इन दिनों में नहीं देख पाए हैं वीडियोस वो प्लीज़ पीछे से पूरे वीडियो सीक्वेंस में लगे हुए हैं पूरा मार्सीलिया वगैरह सारे जनराज में कवर कर चुकी हूँ ये हमारा टेरिडोफाइट का लास्ट जनरा है तो आप इसको प्लीज़ देखिए ताकि आप समझ पाएँ और इसको किताब से भी पढ़ने की कोशिश करिए नहीं कोई चीज़ समझ में आती आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे तो आप पढ़िए थैंक यू सो मच